It's been 23 days since Thanos came to Earth. तब तक हम लोग थानोस को सिर्फ कमीना ही समझते थे, लेकिन वो उससे कई गुना ज्यादा दुष्ट है। कुत्ता है वो, कुत्ता, पूरा का पूरा खजेला कुत्ता। उसने आधी दुनिया के लोगों की पसीने से लथपथ हुई एंडेवियर्स गायब कर दी है। Oh my God. Hey, darling, और उनको अपने साथ ले गया है, सबके अंडरवियर पर काला जादू करके। उसने उन सभी लोगों को अपना गुलाम बना रखा है। ये सभी लोग मरे नहीं हैं, बल्कि ये सभी थानोस के शौचालयों की रक्षा करने के लिए उसके गुलाम के रूप में काम करते हैं। थानोस ने उन सभी शौचालयों को अपने गुलाम बनाए हुए हर ग्रह पर बना दिया है। थानोस ने निक फ्यूरी को सिर्फ और सिर्फ उसके पिछवाड़े की मालिश करने का जिम्मा सौंपा है। पता नहीं निक फ्यूरी यह काम कैसे कर पाएगा, क्योंकि निक फ्यूरी खुद एक नंबर का पदौड़ा है और उसके खुद के पेट में अजीबोगरीब बदबूदार गैस भरी हुई है, जो हर दो मिनट में उसके स्थान विशेष से बाहर निकलती रहती है, जिससे थानोस तो क्या अन्य कोई भी नमूना बेहोश हो सकता है। Oh my God. थानोस हर ग्रह के एक खास चुंबकीय स्थान में श्रोच करके उस ग्रह को अपना गुलाम बना लेता है। उसके अनुसार जिस ग्रह की भूमि पर वो एक ग्राम भी श्रोच करेगा, वह ग्रह उसकी संपत्ति माना जाएगा। थानोस प्रतिदिन लगभग 5 ग्रहों पर पॉटी करने जाता है, और वहाँ पर वो अपने श्रोच को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर एक शौचालय का निर्माण करवाता है। और पूरे ब्रह्मांड में थानोस के इस ऐलान को चुनौती देने के लिए अब तक कोई सामने नहीं आया है। हमें हर संभव ग्रह से थानोस की पॉटी को हटाकर ब्रह्मांड के दूसरे कोने में फेंकना होगा, तभी हम थानोस की ताकत को खत्म कर पाएंगे और उन सभी गुलाम बनाए ग्रहों को मुक्त करा पाएंगे। इसके लिए हमें आज से ही एलियन लोगों के शौच प्रबंधन के कार्य को बहुत बारीकी से सीखना होगा। सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति से वो उन सभी ग्रहों पर अपनी डाले हुए काले पीले अंश को हमेशा ही ताज़ा बनाकर रखता है। मुझे पता है अब वो अपने सबसे फेवरेट पदौड़े यानी फार्टमैन को पृथ्वी पर भेज रहा है, ताकि पृथ्वी की हवा भी उसके काले जादू के प्रभाव में आने के लिए तैयार हो सके। ओह टोनी, हम यहाँ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं और तुम काफी देर से सिर्फ पाद मार रहे हो। ऐसा घिनौना काम करने में तुमको शर्म नहीं आती क्या? देखो, यहाँ हम थानोस को हराने की योजना बना रहे हैं और तुम छी छी छी, तुम अपनी पाद मारने की मस्ती में ही मस्त हो। ओह समझ गया, अब मैं तुम्हारी असलियत समझ गया हूँ। कसम बाबा एल्पेन लिबे की, पक्का तुम भी अब थानोस के शिष्य बन गए हो। तुम जरूर अंतरिक्ष में थानोस के कब्जे में रहे होंगे। कमीने रोजर, हाँ मैं यहाँ पाद रहा हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ घटिया पास्ता खाया था, मगर तुम हमेशा हमेशा ही मेरे हर काम को बदनाम करने के तरीके खोजते रहते हो। वास्तव में तुम खुद बहुत बड़े पाद मारू पदौड़े इंसान हो, क्योंकि तुमको रोज खुद का बनाया पास्ता खाना पड़ता है। टोनी गलत इल्जाम मत लगाओ, मैं अपने हाथ से बना पास्ता नहीं खाता हूँ। मैं सिर्फ चम्मक छल्लो डार्लिंग लॉलीपॉप के हाथ से बना खाना ही खाता हूँ, इसलिए मैं कभी कभार ही पाद मारता हूँ। अगर मैं जब भी पाद मारता हूँ तब तुम्हारी तरह बेशर्म होकर ऐसी पुंगी और पिपरी नहीं बजाता हूँ। तुम तो हमेशा से सिर्फ पाद मारने में ही बिजी रहते हो। कुत्ते कमीने रोजर, मुझ पर लांछन लगाते हो। छी, ये कड़वी बातें जो तुम करते हो इसे ही मुंह से पाद मारना कहते हैं, समझे? यहाँ मौजूद सभी लोग याद करो, जब मैंने पृथ्वी की रक्षा के लिए अल्ट्रॉन बनाने की योजना बनाई थी, तब भी यह रोजर वहाँ आया था और अपने मुंह से पाद मारकर सबको मेरे खिलाफ उकसा दिया था। फिर जब मैंने विजन के माध्यम से वॉन्डर की रक्षा करने की कोशिश की, तब भी ये मेरे काम के बीच आया और ऐसे ही मुंह से पाद मारकर मामला बिगड़ा दिया। तुम दिखावा करते हो कि तुम बहुत साफ सुथरे हो, लेकिन असल में तुम ही वो व्यक्ति हो जो यहाँ सबसे ज्यादा पाद मारता फिरता है। तो अब मैं तुम्हारे चेहरे पर पाद मारता हूँ, यहीं तुम्हारे सामने। और हाँ, अब मैं बात भी कर रहा हूँ और पाद भी मार रहा हूँ। समझो कि यह मेरी नई सुपर पावर है जो नैनो टेक्नोलॉजी और हैवी गैसेस से बनी है। तुम मुझे रोकना चाहते हो? बोलो, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? ओह, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुमको इस चीज को उस जगह पर चिपका देना होगा जहाँ से मेरी गैस निकल रही है। बोलो, क्या तुम में हिम्मत है ऐसा करने की? बड़ा आया मुझे खोट बदबूदार पाद मारने से रोकने वाला। हाँ 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 रोजर, जब तुम पाद मारते हो ना, तब तो हमें भी उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन हम तुमको ऐसे 4 लोगों के सामने इंसल्ट करके नहीं बोलते हैं।
और कमीने रोजर, तुम तो मेरी छोटी सी पाद मारने की आवाज पर भी मुझे सबके सामने अपमानित करते हो। ची, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साले, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे खाने में। आग थू है तुम पर, थू थू थू। पुलिस को फोन करो, बताओ कि स्टीव रॉजर्स ने टोनी स्टार्क की गांठ पर लात मार कर उसको अपाहिज बना दिया। अदिया, 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 अदिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी एवेंजर्स थानोस को हराने के प्लान पर चर्चा शुरू करते, तभी टोनी स्टार्क आकर जोर जोर से पार मारता था और उसे कुछ बोलने पर वह बोलने वालों पर ही भड़क जाता था। टोनी के आयरन मैन होने की वजह से सबकी उससे उलझने से फटती थी। अंततः रॉजर ने ब्रूस बैनर को टोनी स्टार्क के गैसेस की समस्या के बारे में बताया। ब्रूस अच्छे से जानता था कि किस चीज को खिलाने से टोनी स्टार्क पार मारना बंद करेगा। और फिर ब्रूस बैनर हल्क बनकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शाकाल की बेटी यानी मिस गंजी मामी के पास पहुंचा, जिस पर वकांडा के राजा की भी कुछ दृष्टि थी। किस लिए आए हो तुम यहाँ? क्या तुमको मेरे हुस्न की आग खींच लाई है, या फिर मेरी जवानी की दहकती गर्मी, या तुमको उस वकांडा के राजा ने भेजा है जिसकी मेरे हुस्न पर बरसों से गंदी नजर है? ओह मेरी डार्लिंग, मेरी लॉलीपॉप, मेरा दोस्त टोनी स्टार्क हर मिनट में लगभग 6 से 15 बार बेहद बदबूदार पाद मार रहा है। माय गॉड, इसलिए ओ मेरी मिस यूनिवर्स असली चिकनी चमेली, मुझे तुम्हारी जादुई मदद चाहिए। मैं वह हरी गोली लेने आया हूँ जो तुम्हारे नेकलेस में लटक रही है, जिसे पाद मुक्ति टैबलेट भी कहते हैं, और जो पेट की हर समस्या को खत्म करती है। यदि तुम मुझे वो देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही तुमसे शादी करूँगा और तुमको जल्द ही एक बच्चे की माँ बना दूंगा। बोलो मेरी बबीता, क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला? Oh my God. सुनो, पहली बात तो ये है कि यहाँ आते ही तुमने मेरी चुम्मी नहीं और ना ही तुम मेरे लिए सुंदर बालों का विग लाए। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे गंजेपन की समस्या का समाधान ढूंढ निकालोगे, और हाँ, तुमने खुद मेरी हरी गोलियाँ बहुत खा ली है। तुम्हारी पाद मारने की समस्या तो खत्म हो गई, मगर तुम स्वयं हरे रंग के हो गए हो। मुझे डर है कि कहीं हमारे बच्चे भी हरे रंग के पैदा ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि टोनी स्टार्क जो फार्टिंग गैस से पीड़ित है, असल में वो समस्या स्टीव रॉजर्स द्वारा बनाए गए खराब पास्ता खाने के कारण पैदा हुई है। तुम स्टीव रॉजर के पिछवाड़ों पर 2 लात मारो और इतनी जोर से मारो कि वो खुद पप्पू गांधी की तरह पाद यात्रा पर निकल जाए। और हाँ, आगे से उसे ऐसा घटिया पास्ता बनाने से रोको ताकि उसका पास्ता खाने से दूसरे लोगों को पाद मारने की बीमारी न लगे। वैसे गलती से कल उसका भेजा हुआ पास्ता मैंने भी खा लिया था और तभी से मुझे भी पाद की तकलीफ हो रही है। डार्लिंग, मेरे पाद संगीत को अब कान लगा कर सुनो। ब्रूस, यह शकाल की बेटी तुम्हारा समय बर्बाद कर रही है। उसके गले में जो हरे रंग की गोली है, जाओ उसे जल्दी से छीन लो। मैं हूँ यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए, माँ की आँख इस गंजी मामी की। युवराज टचाला, अगर ऐसी बात है तब तो मुझे इस गंजी औरत के नेकलेस से वो हरी गोली छीन ही लेनी चाहिए। मुझे ऐसी गंजी औरत से दूर ही रहना चाहिए, खासकर जो इसकी तरह बहुत बदबूदार पाद मारती हो। हाँ तो बोलो, जय बाबा एल्पिन लिबे की जय हो। मर गया रे देवा, आज तो गांठ गई मेरी। आ, फिर से सुनो मेरे पाद मारने की मधुर आवाज। मेरे मन से शादी करने की बात कर रहा था कमीना, हो गई ना अब इसकी। सिट्टी पिट्टी गुम, सिट्टी पिट्टी गुम, सिट्टी पिट्टी गुम, ही हा हा। Check the mic and make sure it sound right, boys.